ओवरलोड वाहनों को लेकर भागलपुर में पहली बार अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भागलपुर बांका और जमुई की टीम ने रात्रि के लगभग 11 बजे से छापेमारी शुरू की, जो अहले सुबह तक चली। तकरीबन 20 घंटे की छापेमारी में 126 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया और 35 ट्रकों से लगभग 36 लाख रूपए जुर्माने के रूप में वसूली की गई। छापेमारी में पुलिस, खनन, परिवहन व जिला प्रशासन के पदाधिकारी की टीम शामिल थी। वहीं भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इसके लिए सभी थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। भागलपुर अनुमंडल में 80, कहलगांव में 36 और नवगछिया में 10 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में पकड़े गए वाहनों को हवाई अड्डा परिसर में रखा गया है। एमवीआई निशांत कुमार ने बताया कि 35 ट्रकों से 36 लाख रूपए जुर्माना के रूप में वसूला गया है। प्रशासन के इस बड़ी कार्रवाई से अवैध रूप से ओवरलोड ट्रक के मालिकों और चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, डीएम सर के निर्देश पे लगातार सुबह से हम लोग की जो पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, माइनिंग और जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, हम लोग एक टीम के तौर पे सघन जांच कर रहे हैं। और जो सबौर और घोघा रोड पे है, इस पे हम लोग लगातार जो भी ट्रक जो बिना चालान के या फिर ओवरलोड चल रही है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से लगभग अभी तक 200 ट्रक का हम लोगों ने जांच किया है और उसमें अच्छे खासे संख्या में, लगभग 20 से 25 के संख्या में ट्रकों पे कार्रवाई भी हुई है। अभी भी लगभग 50 से 60 संख्या है ट्रकों की, जिसकी जांच की जा रही है और अगर इनमें से भी अगर वैसी निकलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जिले की सर टीम है? हाँ, चूंकि आप जान रहे हैं कि 200 ट्रक है तो उसको जांच करने में, चूंकि लोडिंग वगैरह का जांच करना पड़ता है, तो डीएम सर के अनुरोध पे जमुई से और बांका की भी माइनिंग टीम यहाँ पे आई है। एक तरफ जहां पूरा देश विश्व योग दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बच्चों को योग की शिक्षा देने वाले नव नियुक्त शारीरिक शिक्षकों का हाल बेहाल है। उनकी स्थिति बद से बदतर है। नव नियुक्त शारीरिक शिक्षकों का वेतनमान महज 8,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे उनके बीच आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है व पारिवारिक जीविका भी उनके लिए बहुत विकट स्थिति में पहुंचती जा रही है। जहां सरकार एक तरफ शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है, ऐसे में शारीरिक शिक्षकों का ये हाल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि हमें पहले के शारीरिक शिक्षकों में समायोजित करते हुए तमाम सुविधा, वेतन, भत्ता, लाभ भी हमें मिलना चाहिए। आज 2 साल से हम लोग इस 8,000 के दंश को झेल रहे हैं। आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर योग के माध्यम से सरकार को आगामी सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग जल्द ही सड़क पर संघर्ष के लिए उतर रहे हैं। देखिए सर, 2 वर्षों से हम लोग लगातार इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अब आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हम लोग टूट चुके हैं। ना समाज हमें वो इज्जत दे रहा है, ना वो विद्यालय में वो इज्जत हम लोग पा रहे हैं और ना हम घर चला पा रहे हैं। इसलिए आर्थिक रूप से अब जो है इतना टूट चुके हैं कि मानसिक रूप से हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। तो जिसके वजह से जो है कि हम जब खुद बीमार रहेंगे, हम बच्चों को कैसे जो है फिट रख सकते हैं। तो इस समस्याओं से निकलने के लिए जो है अक्सर जो है आप योग का सहारा लेते हैं और आज 21 जून है, योग दिवस है और पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को विद्यालय में, आम जनता तो सबको कहते हैं कि आप योग से जुड़िए, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दे दिए थे उस समय तक कैबिनेट हर बहाली के पहले हो जाती है, लेकिन इसमें सर विपरीत हुआ है। जब हम एग्जाम दे दिए उसके बाद कैबिनेट करके कहती है कि नहीं, आपको 8,000 मिलेगा। उसके पहले नोटिफिकेशन में हर बहाली का रूल है कि पहले नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाता है कि आपको कितना वेतन मिलेगा, क्या आपका प्रक्रिया रहेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, लेकिन इसमें सारा कुछ सरकार गलत किया और ये कोर्ट के द्वारा सर ये बहाली आई थी और कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं था कि आप 8,000 पर बहाली करिए। उसमें शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक का इसमें बहाली करने का, इसमें बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर। जब घर परिवार, समाज, स्कूल, हर जगह जब शर्म से सर जी रहे हैं, आर्थिक तंगी के से आज दंश हम लोग जे रहे हैं। 4 महीना हुआ सर भागलपुर में, वो भी 8,000 पेमेंट नहीं मिला है। बहुत बहुत तकलीफ होता है सर, वो भी 8,000 रुपया कोई सैलरी नहीं है सर। इसी में हमारा पूरा परिवार, पूरे महीने का परिवार चलेगा, उसी में पर्व त्योहार, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बीमारी का इलाज कराना, बहुत कष्ट होता है सर। बहुत मेहनत करना पड़ा सर, 10th करके, 12th करके, ग्रेजुएशन अदर स्टेट में जा करके बीपीएड का कोर्स किए सर, उसके बाद हमारे साथ छल हुआ है। 8,000 की नौकरी तो कोई नौकरी नहीं होती है सर। 8,000 तो मजदूरी जो डेली काम करता है सर, उसका भी इससे ज्यादा लेवल होता है।
हम लोगों को सरकारी क्या दे रही है, कैसे घर परिवार चलेगा, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, हम बच्चे को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे, जब शिक्षा की ही स्वस्थ नहीं रहेगा, नहीं खा सकेंगे सर, स्कूल जाने में भाड़ा किराया लग जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है सर, पूर्ति नहीं हो पाता है सर, 8,000 में घर परिवार हमारा नहीं चल पाता है सर, सरकार हमारे साथ छल कर रही है, हमारे हमसे पहले जो शारीरिक शिक्षक की बहाली हुई है, हम वही चाहते हैं, हमारा भी सम्मानजनक हो, जिस हम पे वेतन हो, जो पूर्व शारीरिक शिक्षक को दिया जाता है हमें भी वही चाहिए, हमें ज्यादा कुछ नहीं, जो पहले को दे रहे हैं वही हमें भी चाहिए, विद्यालय में भी बोलता है तो 8,000 वाला है, ये तो अनुदेशक है, बहुत तकलीफ होती है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है, यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में आपसी विवाद में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कैलाश पासवान अपने किसी निजी काम से घर के बाहर जा रहे थे, किसी दौरान कैलाश के चचेरे भाई सागर कुमार, आत्माराम पासवान व सागर की मां मनोरमा देवी कैलाश पासवान के साथ मारपीट करने लगे, जिससे कैलाश को गंभीर चोट आई है और वो उसी जगह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद सागर ने कैलाश को धमकी भी दी है कि यदि इसकी शिकायत पुलिस में करोगे तो गोली मार देंगे। इसके बाद से कैलाश का पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। कैलाश ने कहा कि जब घटना की जानकारी देने के लिए स्थानीय थाना पर गए तो वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक को उन लोगों ने आवेदन दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। रात में लड़ा पीट हुआ था, मेरा चचेरा भाई ने हमको मारा था, मेरा उसका जो बड़ा भाई था ना, मेरे भी वाइफ को ले भाग गई थी 5 महीना पहले, सदर में जाओ, सदर आए 11 बजे रात में, फिर 11 बजे 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ पर्ची दिए, फिर सुबह बुलाया, सुबह गए तो अभी अर्जी कहाँ दिया था, हम दे दिए थे, फिर भी बोला वहाँ से निकालो, फिर वहाँ से निकाले तो बोला को हो गया, एक बार और आवेदन दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ से,